होप आपके घर में आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब अच्छे हैं और कुशल मंगल हैं. यू नो वी ऑल शुड प्रे फॉर एवरी वन आउट देयर. यू नो हम अपने लोगों के लिए तो प्रे करते ही हैं, बाकी सबके लिए भी करनी चाहिए ताकि सब लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, यू नो सुरक्षित रहें, सेफ रहें. मैं कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ. आई एम श्योर आपने सबसे सुना है बहुत सारी चीजें कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. मैं भी यू नो देर आर अ फ्यू पीपल जो मुझे फॉलो करते हैं और जो यू नो मुझसे इंस्पायर होते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज अपने घर में रहिए. हमारे पीएम ने भी कहा है कि घर पे रहना है. इवन बाहर से कितने न्यूज आए हैं और यू नो पहले बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, बट आई फील हाई टाइम अभी है कि हमें कैसे भी करके घर पर ही रहना है. इन फैक्ट इस संडे को आई थिंक 7 AM से 9 PM तक घर पे रहना है और 5 बजे 5 o'clock से 5:05 तक हमें 5 मिनट तक अपनी बालकनीज, विंडोज इन सब पे जाकर यू नो अप्लॉज करना है, अप्रिशिएट करना है उन लोगों को जिनका हक बनता है कि उनको अप्रिसिएशन मिले. और सिर्फ उनके लिए मैं चाहती हूँ, सिर्फ हम लोग अप्लॉज ही नहीं करें, प्रेयर्स भी करें उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी लाइफ में खुशियां लाई हैं. और एक और चीज है जो मुझे सुनने को मिली है कि काफी सारे लोग अपने यू नो डॉग्स को बाहर निकाल रहे हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है, और ये बात अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि डॉग्स पे कोरोना वायरस नहीं हो रहा है. दे आर एब्सोल्युटली सेफ टू यू नो कीप देम एट होम या अपने साथ या कहीं भी आप उनको यू नो रख सकते हैं. उनको घर से बाहर नहीं निकालिए, घर में ही रखिए और वो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे. तो बहुत प्यारे होते हैं, बल्कि उनके साथ रहकर टाइम स्पेंड कीजिए. नॉट ओनली देम, अगर मैं बात करूँ कि हमारे घर में जो 60+ फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बहुत ख्याल रखिए और मेक श्योर कीजिए कि आप उनको घर से बाहर ना जाने दें. यू नो बहुत सारे वेज हैं उनको घर पे रखने के लिए. आप उनके साथ बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेलिए, लूडो खेलिए, जो खेलना है खेलिए, फन कीजिए घर में, गाने गाइए, अंताक्षरी खेलिए. बट आप मेक श्योर कीजिए कि आप उनको बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारी अटेंशन दें, जिसके लिए यू नो बुजुर्ग लोग क्रेव करते हैं, जो उनको नहीं मिलती है, उनको प्यार दें, अटेंशन दें, रिस्पेक्ट दें, उनके साथ बैठें. और इवन आपके घर के जो बच्चे हैं उनके साथ मिलकर खेलिए, बहुत मजे कीजिए और सेफ रहिए. प्लीज सीरियसली लीजिए इसको जो अभी सिनेरियो है. आगे भी काफी दिनों तक ये ऐसा ही सीरियस रहने वाला है, तो आपको भी सीरियस होना है और घर में बैठिए. पूरे इंडिया का साथ दीजिए, पीएम हमारे उनका साथ दीजिए और हमें मैं तो चाहती हूँ कि पूरा इंडिया का एग्जाम्पल दिया जाए बाहर. यू नो सब लोग कहें कि कोरोना को अगर मैनेज किया है किसी कंट्री ने तो वो इंडिया है. आई थिंक वी शुड डू दैट. और पूरा दृढ़ निश्चय कीजिए कि इंडिया के रेट्स जो हैं कोरोना वायरस के वो सबसे कम नहीं, मैं कहती हूँ जीरो हो. अब जो जितने भी हो गए हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते. प्रेयर्स करेंगे उनके लिए कि वो सब लोग जल्दी ठीक हो जाएं और अनफॉर्चुनेटली जो लोग नहीं रहे हैं वो खुश रहें. मे देयर सोल्स रेस्ट इन पीस. और बाकी आगे ये ना हो तो आपको मेक श्योर करना है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, खुशियां बांटें. एंड थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस. धन्यवाद पिता परमेश्वर. मैं प्रार्थना करती हूँ कनिका कपूर जो सिंगर है उसके लिए. अभी मैंने आज तक पर उनका इंटरव्यू सुना है. परमेश्वर उन्हें वायरस है और उनको एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है. प्रभु 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 मैं प्रभु यीशु में प्रार्थना करती हूँ उस महिला को मदद करें, क्योंकि डॉक्टर लोग उनकी उनका इलाज करने के बदले उनको केस करने की धमकी दे रहे हैं. वो मुझे नहीं पता है प्रभु. प्रभु उस महिला का, वो आपकी बेटी है प्रभु, उस महिला का प्रभु इलाज करे. डॉक्टर प्रभु यीशु के नाम में उनको ढांक दे उनके आपके पवित्र लहू से. प्रभु एक कमरे में वो बंद है, मैं मानती हूँ उनसे कुछ गलतियाँ हो गई है. वो
भाग गई यहाँ वहाँ लंदन से आके, वो उसे अगर उसे वायरस था तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, लेकिन प्रभु उसे क्षमा करे, प्रभु उसे जल्द से जल्द चंगा करे, प्रभु हिंदुस्तान के डॉक्टर उनकी उन उनको उनकी प्रोटेक्ट करे, उन्हें उन्हें इंजेक्शंस दे, वो ठीक हो जाए। प्रभु कोई मेरा कुछ नहीं लगता प्रभु, लेकिन सब मेरे लगते, मेरे मेरे भाई बहन हैं हिंदुस्तान के लोग, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं प्रभु। मैं करीना कनिका कपूर के लिए और सबके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनको ये वायरस है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सारे डॉक्टर्स जो हिंदुस्तान के हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि कनिका कपूर से लेकर जितने भी लोग ये पीड़ित है उनका इलाज करेंगे, उनको प्यार से रखेंगे, क्योंकि ये वायरस कहाँ से आता है पता नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं हिंदुस्तान के, उनके उनकी रक्षा करेंगे प्रभु, आप उनकी रक्षा करोगे प्रभु। प्रभु हमारा दिल बैठा जा रहा है प्रभु, प्रभु ये क्या हो गया प्रभु, हमें क्षमा करो प्रभु, ये वायरस जल्दी निकल जाए, सब ठीक हो जाए प्रभु, जितने भी लोग हॉस्पिटल में हो जल्दी अपने घर पहुंच जाए, ठीक होकर प्रभु मदद करे, प्रभु मदद करे, प्रभु मदद करे, प्रभु यीशु के नाम। घर पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे, और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ, बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफ़र से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है, उन्हें एक स्टैम्प लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं। किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवरटाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है कोई, हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली रेस, पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा, ना सिर्फ खुद जीतेगा बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। BMC is